लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे अंडकोश में गांठ क्यों बनने लगती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अंडकोश पुरुषों के शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। इसे पुरुषों का प्रजनन अंग के रूप में भी जाना जाता है। अंडकोश में अगर किसी भी तरह की समस्या होती है तो इससे पुरुषों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और अगर समस्या बढ़ गई तो स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। यही कारण है कि अंडकोश में होने वाली छोटी सी समस्या के प्रति भी लापरवाही बरतना सही नहीं है। अंडकोश से जुड़ी कई तरह की समस्याओं से पुरुषों का सामना हो सकता है। इनमें से एक है अंडकोश में गांठ बनना। यह एक गंभीर समस्या है। इस तरह की समस्या से बचे रहने के लिए जरूरी है कि आप इसके होने की वजह जाने और बचाव करें या फिर अंडकोश में गांठ होने पर उचित ट्रीटमेंट करवाएं। अंडकोश में गांठ की वजह क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। टेस्टिकुलर गांठ और सूजन का आमतौर पर गैर कैंसर स्थितियों के कारण होता है। हालांकि इस तरह की स्थितियों के लिए डॉक्टर के उपचार की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अंडकोश में गांठ की वजह गंभीर हो सकती है। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। बैरिकोसेले, यह बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है। इस तरह की स्थिति में अंडकोश के भीतर सूजन आ जाती है और कुछ मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि प्रभावित अंडकोश दूसरे अंडकोश से ज़्यादा भारी या किसी कीड़े की थैली जैसा महसूस हो सकता है। हाइड्रोसिस, बच्चों में स्थिति होने पर दर्द नहीं होता है, वहीं वयस्कों और युवा पुरुषों में ये समस्या हो उनके पेट के निचले हिस्से में दबाव बना रहता है, ये भारीपन और महसूस हो सकता है। इसके अलावा अंडकोश में सूजन भी बढ़ जाती है। एपिडिडिमल सिस्ट, एपिडिडिमल सिस्ट, एपिडिडिमल स्थिति होने पर एक टेस्टिकल अन्य से ज़्यादा भारी हो सकता है। हालांकि इस स्थिति में मरीज को दर्द नहीं होता है। टेस्टिकुलर गांठ और सूजन का इलाज कैसे किया जाता है वो भी आपको बता रहा हूँ। अंडकोश में गांठ होने पर ट्रीटमेंट में पहले मरीज के लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि अंडकोश में गांठ या सूजन किस वजह से है। ये जान लेने के बाद मरीज का इलाज किया जाता है। इसके अलावा अगर गांठ की वजह से किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है तो इसके अलावा इसके इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि इसके बावजूद डॉक्टर की राय लेना बहुत ज़रूरी होती है। जहां तक अंडकोश में गांठ के इलाज की बात है तो इसके लिए अंडकोश में गांठ या सूजन के इलाज के लिए डॉक्टर कई बार ओवर द काउंटर दर्द निवारक दवाई देते हैं जो कम्फर्टेबल अंडरवियर पहनने की सलाह देते हैं। इसे दर्द या सूजन में कमी आने में मदद मिलती है। कई बार डॉक्टर्स गांठ में मौजूद तरल पदार्थ को निकालने के लिए सर्जरी करते हैं। इससे गांठ में मौजूद तरल पदार्थ निकल जाता है तो ट्रीटमेंट में भी मदद मिलती है। अंडकोश में तीव्र दर्द या ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होने पर डॉक्टर से तुरंत मरीज की सर्जरी करनी पड़ती है। कई बार सर्जरी पूरे होने में घंटों का समय लग जाता है। वास्तव में ये मरीज की स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। धन्यवाद।